अब जानते हैं मंगल किस तरह की त्वचा की समस्या देता है और इसका समाधान क्या है। मंगल जब त्वचा की समस्या देता है तो ये वास्तव में शरीर के अंदर की गड़बड़ियों की सूचना है। जैसे आप कहते हैं ना कि उसने दवाई खा ली, वो रिएक्शन कर गई, वो उसको सूट नहीं किया तो पूरे शरीर पे दाने निकल आए, यानी इंटरनल केमिकल प्रॉब्लम शरीर में हुई और स्किन पर आपके दिक्कतें आनी शुरू हुई, ये मंगल है। ये शरीर के केमिकल बैलेंस के बिगड़ने का मामला है, यानी आपको त्वचा में एक्चुअली दिक्कत नहीं है, शरीर में कोई दिक्कत हो गई, कोई केमिकल बैलेंस बिगड़ गया, कोई दवाई रिएक्ट कर गई तो उस वजह से स्किन में प्रॉब्लम आ गई। मंगल की त्वचा की समस्या में शरीर पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं और कभी कभी किसी दुर्घटना की वजह से भी मंगल शरीर पर दाग या निशान दे देता है। आपके चेहरे पे कटे फटे के निशान आ गए, आपके हाथों में कटे फटे का निशान आ गया, ये आ जाता है मुख्यतः मंगल की वजह से। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो पानी का बहुत सेवन करिए, पानी खूब पीजिए, उगते हुए सूर्य की रोशनी में पीठ करके रोज सुबह 10 मिनट तक बैठिए, तांबे के पात्र से पानी पीने का प्रयास करिए और सलाह लेकर के एक मूंगा धारण करें तो आपको लाभ होगा। प्रभावित जगह पर जहां जहां पर दाने खारिश या निशान हैं वहां पर नारियल का तेल लगाएं, आपको लाभ होगा। अब जानते हैं सूर्य की त्वचा की समस्या कौन सी है और सूर्य की त्वचा की समस्या का समाधान क्या है। सूर्य आपकी त्वचा में मेलानिन को नियंत्रित करता है, यानी आपकी त्वचा का रंग ये सूर्य डिसाइड करता है। सूर्य के गड़बड़ होने पर व्यक्ति के त्वचा के रंग में, स्किन कलर में अंतर आ जाता है। सूर्य की त्वचा की समस्या में त्वचा काली हो जाती है, झुलसी और टूटी टूटी सी त्वचा दिखाई देती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि धूप में जाते ही स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सूर्य की रोशनी के संपर्क में नहीं रहते, इस वजह से स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुख्यतः सूर्य जिनके जीवन में प्रभाव डालता है उनको भी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर सूर्य का नकारात्मक प्रभाव है तो। क्या उपाय करना चाहिए? उगते हुए सूर्य को नित्य प्रातः जल अर्पित करिए, गरिष्ठ भोजन और मांसाहार से परहेज करिए, तेल मसाले वाला भोजन, नॉनवेज फूड, इनसे परहेज करना चाहिए। रस वाले फल और नींबू पानी का प्रयोग करिएगा, अच्छा रहेगा। और सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल अगर आप धारण करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य की त्वचा की समस्या में आप चांदी का कड़ा पहने, चांदी की चेन पहने या चांदी का छल्ला पहने, वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब जान लेते हैं आपके लिए, आपके घर के लिए एक महत्वपूर्ण वास्तु टिप। घर के पूजा स्थान पर
लोग हर समय बल्ब जलाए रखते हैं और बहुत सारे लोग लाल रंग का बल्ब जलाए रखते हैं। घर के पूजा स्थान पर हर समय बल्ब मत जलाए रखिए। सुबह और शाम सही समय पर दीपक जलाइए और रात में सोने के पहले देवी देवता के ऊपर जो बल्ब लगाया है रात्रि में उस बल्ब को बुझा दें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।